ओलंपिक खिलाड़ियों का मैदान में प्रदर्शन लोगों को हर्ष और उल्लास से भर देता है। उनकी मेहनत और लगन को देखकर लोग हमेशा ही प्रेरित हुए हैं। स्वागत है आपका WatchMojo.com पर और आज हमारे काउंटडाउन में है ओलंपिक्स के कुछ ऐसे खास पल जिन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिली है। इस लिस्ट में हम बात करेंगे ओलंपिक के उन खास पलों के बारे में जिसे देखकर दुनिया ने प्रेरणा ली और वो बन गए ओलंपिक के इतिहास के अविस्मरणीय और सुनहरे पल। नंबर 10, नाडिया कॉमेनेच, द परफेक्ट 10, 1976 मॉन्ट्रियल समर ओलंपिक्स। रोमानिया में जन्मी नाडिया कॉमेनेच ने ओलंपिक में एक बेहतर जिमनास्ट होने की ख्याति ही नहीं पाई बल्कि वो पिछले 5 दशकों से दुनिया की पहले 5 उम्दा जिमनास्ट में से एक रही हैं। 1976 में महज 14 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहली बार मॉन्ट्रियल समर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और पहली बार में ही उन्होंने परफेक्ट 10 स्कोर कर लिया। इतना ही नहीं, ओलंपिक्स में उन्होंने कुल 7 बार परफेक्ट 10 स्कोर किया है। अपने खेल से उन्होंने इतिहास बना लिया जिसमें उन्हें 9 गोल्ड मेडल्स मिले। ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि वो आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनी। परफेक्ट 10 का रिकॉर्ड बनाने वाली वो सबसे छोटी खिलाड़ी रही हैं और उनका हासिल किया ये मुकाम शायद ही कोई हासिल कर पाए। नंबर 9, डेरेक रेडमंड्स परसिवेरेंस, 1992 बार्सिलोना समर ओलंपिक्स। इस गोल्ड मेडलिस्ट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट डेरेक रेडमंड के करियर में कई शानदार पल आए हैं पर सबसे यादगार रहा 1992 का 400 मीटर वाला बार्सिलोना टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में उनके नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। दौड़ते वक्त उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई और उन्हें पता चल गया था कि वो नहीं जीतेंगे पर फिर भी लोग उन्हें देख रहे थे क्योंकि वो कमाल कर रहे थे। वो वाकई काबिले तारीफ थी। उनके पिता ने उन्हें फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए मदद और उन्होंने दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया और इसीलिए उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देकर सम्मानित किया गया और पूरी दुनिया में उनके इस जज्बे की चर्चा हुई। नंबर 8, कैरी स्ट्रग एंड द मैग्निफिसेंट 7, 1996 अटलांटा समर ओलंपिक्स। सन 1996 की US महिला जिमनास्टिक्स टीम को दुनिया मैग्निफिसेंट 7 के नाम से जानती थी। इन्होंने अटलांटा गेम्स में पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया था। हालांकि इस टीम के लिए अपना ताज संभाले रखना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो अपने ही देश में खेल रहे थे पर रशिया के साथ उनकी टक्कर जरा कमजोर लग रही थी क्योंकि कैरी स्ट्रक को एड़ी पर चोट लग गई थी। पर इस कठिन समय में स्ट्रक को एक लास्ट शॉट देना था जो US को गोल्ड मेडल दिला सकता था। पूरी दुनिया इस आखिरी घड़ी पर नजरें लगाए बैठी थी और स्ट्रक ने वो शॉट खेला और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लैंड कर US को गोल्ड मेडल दिला दिया। उसके बाद वो दर्द से बिलखते हुए जमीन पर गिर गई। नंबर 7, चौथी बार नहीं हुई डैन जेंसन की हार, 1994 लिला हैमर विंटर ओलंपिक्स। डैन जेंसन की 10 साल के ओलंपिक करियर में उनकी मेहनत तो काफी बार दिखाई दी पर नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। इस अमेरिकन खिलाड़ी ने 1984 में सारा में अपना पहला मैच खेला जिसमें उसे कोई मेडल्स नहीं मिले। 4 साल बाद फिर से एक बार जेंसन ने दिलो जान से खेला पर तब भी वो जीत नहीं पाए। वो मैच उन्होंने बहुत ही इमोशनल स्ट्रेस में खेला था। मैच के बस कुछ देर पहले उन्हें पता चला था कि उनकी बहन की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। पर कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, वैसा ही कुछ जैनसन के साथ हुआ। 10 साल बाद 1994 में लिला हैमर गेम्स में उन्होंने 1000 मीटर वाले गेम को जीत लिया। नंबर 6, यूसेन बोल्ट, ऑल द रिकॉर्ड्स, 2008 बीजिंग समर ओलंपिक्स। साल 2008 के परफॉर्मेंस ने यूसेन बोल्ट को लिविंग लेजेंड बना दिया और फिर उन्हें यूसेन लाइटनिंग बोल्ट के नाम से जाना जाने लगा। बोल्ट 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जमैका के इस रनर ने खेल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिख डाला। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो बोल्ट ने 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और 400 मीटर्स के गेम्स लगातार जीते हैं। पर दुर्भाग्यवश 2008 में जीते गए 400 मीटर रिले रेस का मेडल जमैकन टीम से वापस लिया गया था पर उसका कारण बोल्ट से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था। नंबर 5, कोरियन यूनिफिकेशन फ्लैग, 2000 सिडनी समर ओलंपिक्स। ओलंपिक्स खेल का उद्देश्य ये है कि सारे देश अपनी परेशानियां और स्ट्रगल्स को भूलकर खेल में हिस्सा लें और अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ साथ खेलें। साल 2000 के सिडनी गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में दुनिया ने एक ऐसी बात देखी जिसकी वजह से दुनिया दंग रह गई। इतिहास में पहली बार साउथ और नॉर्थ कोरिया ने साथ में प्रवेश किया और साथ में था यूनिफिकेशन फ्लैग। इसका कारण थी सनशाइन पॉलिसी जो 1998 में बनाई गई थी। ये पॉलिसी राजकीय संबंध प्रस्थापित करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि ये फ्लैग 2004 के एथेंस गेम्स में भी लाया गया था पर खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलना पसंद किया।
नंबर 4 बर्फ पर चमत्कार 1980 लेक प्लासिड विंटर ओलंपिक्स। ये पल यूएस के इतिहास के सबसे सुनहरे पलों में से एक है। इस कहानी ने बहुत से लोगों को प्रेरणा दी है, हालांकि सिर्फ लोगों को ही नहीं हॉलीवुड को भी प्रेरित किया है। दुनिया की सबसे जानी मानी सोवियत हॉकी टीम बिग रेड मशीन अपनी जीत के लिए मशहूर थी, पर उस वक्त उनका सामना हुआ यूएस की टीम से जो उनके मुकाबले काफी नई थी। पर उस मैच में मानो चमत्कार ही हुआ। उस मैच में यूएस टीम ने जादू कर दिया और एक शानदार जीत हासिल। पर यूएस टीम यहीं तक शांत नहीं बैठी। इस मैच के बाद उन्होंने फिनलैंड के खिलाफ भी जीत का अपना सिलसिला कायम रखा। नंबर 3 ब्लैक पावर 1968 मेक्सिको सिटी समर ओलंपिक्स। साल 1968 में मेक्सिको ने पहली बार खेल का आयोजन किया था। ऐसे करने वाला ये पहला स्पेनिश बोलने वाला देश था और इस प्रतियोगिता के कुछ पल यादगार बन गए। 200 मीटर के गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अमेरिकन टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को पोडियम पर नंगे पांव लाया गया, जो रंग भेद की वजह से आई गरीबी को दर्शा रहे थे, और उन्होंने राष्ट्र गीत से दुनिया के सामने अपने काले रंग को सम्मान के साथ सामने लाया। ये वो पल था जब दुनिया सामने सिविल राइट्स की बात रखी गई, जिसकी दुनिया भर में वाहवाही हुई। बाद में उन्हें ओलंपिक विलेज से निकाल दिया गया और यूएस टीम से भी। नंबर 2 जमैकन बॉबस्लेड टीम 1988 कैलगरी विंटर ओलंपिक्स। साल 1988 के कैलगरी गेम्स के दौरान ब्रिटिश स्की जंपर एडी ईगल की हार सबके लिए प्रेरणा का विषय बन गई। उन्होंने जमैकन नेशनल बॉबस्लेड टीम से खेल की शुरुआत की थी और यही चौंका देने वाली बात थी कि जमैका में बॉबस्लेड टीम कैसे, ये कैसे हुआ, क्या उन्होंने कभी स्नो देखा भी था। पर कहते हैं ना, ठान लिया जाए तो कोई भी बात मुश्किल नहीं। उन्होंने भी इस चुनौती का सामना किया और अंडरडॉग सुपरस्टार बन गए। बाकी टीम ने भी उनकी काफी सहायता की, पर फिर भी वो जीत तक नहीं पहुंच पाए। पर उन्होंने पूरी ताकत से खेला और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। उनके इसी कहानी पर हॉलीवुड में फिल्म बनाई गई। इससे पहले कि हम पहले पायदान पर पहुंचे, आइए देखते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस। नंबर 1 जेसी ओवेंस ने दिया नाजीज को करारा जवाब 1936 बर्लिन समर ओलंपिक्स। अमेरिकन ट्रैक और फील्ड गोल्ड मेडलिस्ट जेसी सिर्फ स्टार एथलीट ही नहीं थे, वो अफ्रीकन अमेरिकन थे और वो अमेरिका के मानो हीरो थे। हिटलर के राज्य में जब जर्मनी में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था, तब ओवेंस ने मिसाल कायम की थी। रंग भेद और जातिवाद से ऊपर उठकर उन्होंने यूएस यानी अपने देश के लिए खेला। ओवेंस ने बड़ी ही शानदार तरीके से 4 गोल्ड मेडल्स जीते और नाजियों के इस विचारधारा को करारा जवाब दिया।